आप लोग देख तो लेते सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दो। और आज की जो वीडियो लेकर आए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो का नाम है आदि पुरुष ऑफिशियल ट्रेलर हिंदी प्रभास सैफ अली खान कृति सनन ओम राउत भूषण कुमार जी की जानिब से डायरेक्ट की गई है। भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखने में। आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखेगा ट्रेलर, क्योंकि धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही कमाल का ट्रेलर होने वाला है। हम भी इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वैसे तो बहुत ही मजा आएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं आज कृति चल मंगल भगवान अमंगल हारी। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत, ये कहानी है रामायण की। शाम दे यार क्या सीन है, अमेजिंग। आप अयोध्या के युवराज हैं, एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। सही बात है। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो यार, और कोई नहीं उठा लिया। हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। उस सब सारे राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पा ले, नारायण हो जाएगा। अमेजिंग भाई, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रेलर था। कमाल का ट्रेलर था बिल्कुल। इतना ज्यादा मजा आया ना, हम एक सीरीज देख रहे हैं लेकिन ये तो बिल्कुल कमाल है यार, नेक्स्ट लेवल है। तरीके से एक्सप्लेन किया है ना, मतलब ये जब भी हम देखेंगे इस मूवी को कितना ज्यादा हमें मजा आने वाला है, क्योंकि इन्होंने जैसे मतलब न्यू दौर में हम रह रहे हैं ऐसी उन्होंने एक मूवी बनाई है के यार देख के मजा ही आ जाएगा। और हर एक को इतनी ज्यादा अमेजिंग और कमाल की लगेगी ना ये वाली मूवी, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से सब कुछ इन्होंने इस मूवी के अंदर आपने देखा किया है। हाँ, क्योंकि
जो हनुमान जी हैं किस तरह से वो हेल्प करेंगे सीता जी को ढूंढने के लिए, क्योंकि आप सभी इस मतलब जो भी हुआ था उससे वाकिफ, रामायण से वाकिफ कौन नहीं है, आप सब जो देख रहे हैं सभी वाकिफ है, लेकिन जो लोग नहीं जानते, मे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो ना जानते हो, तो उनको इस मूवी से रामायण के बारे में यार क्या विलन का रोल अदा कर रहे हैं सैफ अली खान, कमाल की एक्टर है, आपको पता ही है वो भी बिल्कुल काफी अच्छे एक्टर है। और प्रभास की बात की जाए, उनकी एक्टिंग की बात की जाए, उनके जो आवाज में है ना दम जो है जो हनुमान जी है उनका मुझे नहीं पता वो कौन रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो भी काफी अच्छे एक्टर लग रहे थे। सारा इन्होंने बताया कि किस तरीके से ना अभी इसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रखी है जो मूवी देखने के बाद ही पता चले, लेकिन मैंने इन्होंने बताया कि यार वो हनुमान जी से किस तरह मिलेंगे या उन्हें अपनी शक्तियों का किस तरह पता चलेगा, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता मुझे लगता लगा होता कि ना वो जो है ना हनुमान जी उनको भी अपनी शक्तियों का पता नहीं होता, लेकिन वो भी अपनी शक्तियों को जानेंगे, ये मूवी देखकर ही पता चलेगा, पता चलेगा कि किस तरह से वो अपनी शक्तियों के बारे में जानते हैं और वो कितना ज्यादा इंस्पायर होते हैं जो राम जी हैं उनसे, ये देखने वाला होगा। इतनी ज्यादा उनकी मदद करते हैं बिल्कुल, ये ना क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद यही होता है कि वो ना मतलब अपनी लाइफ में वो राम जी का ना बारे में सोच के उनको उनसे जब मिलते हैं उनको इतना ज्यादा अच्छा फील होता है कि वो बोलते हैं बस। और ना अभी जो हम सीरीज देख रहे हैं ना उसमें तो अभी तक ये दिखाया गया है कि जो हनुमान जी होते हैं ना अभी राम जी से वो नहीं मिले, लेकिन उनको ना उनकी ख्वाबें आते हैं, उनका एक उन्होंने चित्र बनाया हुआ है पहाड़ पे, वो मतलब ना सोचते हैं कि ये मुझे कब मिलेंगे, क्यों मतलब ये मेरे ख्वाबों में आते हैं। और ये बात तो है कि हनुमान जी शक्तिशाली बहुत ही ज्यादा, ये आपने देखा इसमें भी ना पहाड़ को उठा लिया जी, मैं वो मतलब किस तरह से उड़ के इतने मतलब राम जी और लक्ष्मण जी को उठा के तो ले जाते हैं यार, क्या ही अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि इसमें हमें ऐसी ऐसी चीजों का पता चलने वाला जो कि हमें अभी तक में भी हो सकता ना पता। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ना बिल्कुल न्यू ताकि मॉडर्न एरिया के हिसाब से ना बनाया गया, ताकि लोगों को ना इंटरेस्ट पैदा हो इसमें, जो एक्टर्स है ना वो बड़े कमाल के, और इसमें जो भी मतलब फैक्ट्स यूज किए गए हैं बहुत रियल लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और भाई सेना इतनी ज्यादा है वो और जो रावण की सेना है उनके साथ जो मुकाबला होगा जब राम जी वहां जाएंगे, जो लंका है श्रीलंका जिसे वो कहते हैं, तो वहां जाएंगे किस तरह से, क्योंकि मुकाबला काफी कठिन होता है, एक तरफा मुकाबला नहीं, क्योंकि जो लंकापति रावण है ना वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसमें कोई बात तो मतलब दोहराए नहीं है, लेकिन राम जी किस तरह से उसका खत्म करेंगे, किस तरह से सीता जी को बचा के लाएंगे, ये वाली चीज देखने वाली होगी। और अभी आपने देखा कि जो हनुमान जी थे ना वो लेने के लिए आए थे, उन्हें क्या बोला कि नहीं उन्होंने मतलब वो जो शिव जी का धनुष था वो तोड़ दिया था मेरे लिए, तो अभी रावण का गुरूर तोड़ना है, क्योंकि रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत माना होता है और वो ना इनका बहुत ही गलत फायदा उठाता है, तो इनकी जो ये शक्तियां ना इसको कोई ना कोई इसका ना हल निकालना पड़ेगा, तो इसलिए सीता जी भी कहती है फिर कि आप आए। और ये तो मूवी देखेंगे यार कमाल की, मुझे बहुत ही अच्छा ट्रेलर, बहुत ही कमाल का यार, इतना ज्यादा मजा है कि क्या ही आप। और ये जो मूवी देखेंगे तो प्लीज उसके बाद भी जरूर बताएंगे कैसी लगी, आपको बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले तो नहीं था पता, लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं, लेकिन हम आपके जो इंटरेस्ट है ना वो खत्म बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं आपका इंटरेस्ट बना रहे, जिन लोगों को ने नहीं देखी, मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमें देख रहे हैं उसमें से 90% लोगों को तो रामायण हाँ, बिल्कुल हिंदुइज्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल तो वो सभी जानते हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा जब ये मूवी देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रेलर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।